हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैथ का चौथा फ्रिज लेकर उपस्थित हूँ और ट्रिग्नोमेट्री का मैक्सिमम मिनिमम का दूसरा भाग। तो देखते हैं अगला टॉप। टाइप 4 sin² θ + 9 cos² θ का न्यूनतम मान क्या होगा? तो यहाँ देखिए, साइन इसका उल्टा कॉसिक, इसी तरह से टेन इसका उल्टा कॉट, और उसी तरह से सेक और कॉस रहे, तब हम इस फॉर्मूला का यूज करते हैं। पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। 2ab ये न्यूनतम मान होता है, और अधिकतम मान ऐसे क्वेश्चन का हमेशा इनफिनाइट होता है, ठीक है? तो 4 sin² θ + 9 cos² θ का न्यूनतम मान निकालना है। क्या होगा? 2 × 4 × 9 कितना हो जाएगा इसका? 936 और 6 निकलेगा, ये 12। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, sec² + 4 cosec² का न्यूनतम मान हो, sec और cosec में रिलेशन रहे तो न्यूनतम मान निकालना होता है। तब फॉर्मूला होता है √a + √b, ये टोटल का स्क्वायर, ये न्यूनतम मान का। अधिकतम मान यहाँ भी इन्फिनाइट ही होगा, तो यहाँ a की जगह पे यहाँ देखिए कुछ नहीं है तो 1 है, तो कितना होगा? √1² + √4² इतना करते हैं, ये 1 हो जाएगा और ये 4 का 2 निकल जाएगा, √ यहाँ से स्क्वायर कर देते हैं, तो ये 3 3 9 न्यूनतम मान लिख देते हैं इंग्लिश में ही। मिनिमम वैल्यू 9 होगा, न्यूनतम मान 9 हो जाएगा। अब देखते हैं, sin² θ + cos² θ, tan² θ + cot² θ, sec² θ + cosec² θ। यहाँ पे दो तीन नियम का कंबाइन किया गया है, ठीक है? दो तीन नियम को मिला दिया गया है। sin² θ + cos² θ कितना वैल्यू होता है? 1। अभी पढ़े tan² θ और cot² θ का न्यूनतम मान होता है 2 × और यहाँ ए और बी का मान 1 है, 1 है, तो इतना हो जाएगा। प्लस यहाँ पे देखिए, दोनों 1 sec² θ + 1 cos² θ हो सकता है, तो बताए थे √1 हो जाएगा यहाँ पे, √1 टोटल का स्क्वायर, तो यहाँ से A1, ये √1 अंदर होता है, वैल्यू 1 ही होता है, तो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ से 1 1 1 होगा, और 1 पे यहाँ स्क्वायर है, एक पे स्क्वायर है ना, तो ये 2 2 4, ये 7 हो जाएगा। सभी नियम को मिलाएंगे और रूल लगाएंगे और सॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले ध्यान रखना, कॉन्स्टेंट को सॉल्व करेंगे, sin² θ + cos² θ का वैल्यू 1 होता है। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन, हाँ ठीक है। 4 tan² θ + 9 cot² θ, तो वही है, टेन और कोट उल्टा है ना, तो ये हो जाएगा 2 4 × 9 2 और ये 936, 36 का वर्ग स्क्वायर रूट कितना होगा? 6 होगा, ये 12, ये आंसर 12 हो जाएगा। अब देखते हैं, एक थोड़ा सा प्रयोग किया है इस बार से, पहले ये क्वेश्चन नहीं आता था, इसको देखिए सॉल्व करते हैं तो क्या होगा। इसको लिख सकते हैं 4 पे पावर 3 sin, ठीक है? पावर को घात बोलते हैं, समझने में दिक्कत हो तो घात समझना है, और ये 4 पे, यहाँ बीच में गुना का साइन है, 4 पे पावर कितना होगा? 4, और ये कॉस ए, कॉस ए, जब आधार 4 4 सेम है, इसका पावर ऊपर 3 sin ए, ठीक है? ये सब हटा दीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ 4 है, सॉरी ये 4 है, ठीक है? तो ये 4 आधार है, 4 यहाँ आधार है, और ऊपर पावर, तो जब आधार सेम हो तो पावर जुड़ता है, तो 4 पे पावर कितना हो जाएगा? 3 sin ए, यहाँ से 4 cos ए हो जाएगा। अभी देखिए,
पिछले वीडियो में हम बताए थे ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, तो वहाँ पे न्यूनतम मान क्या नहीं उच्चतम मान अंडर रूट क्या होता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, जगह नहीं है ना, तो कितना है तीन है और यहाँ चार है, तो चार तिया बारह, तीन तिया नौ, और चार सौ सोलह, तीन तिया नौ, सोलह नौ पच्चीस, पच्चीस का वर्ग कितना होगा, पच्चीस का वर्ग पाँच होगा, इसीलिए आंसर कितना आ जाएगा चार पे पावर पाँच, थ्री साइन ए प्लस फोर कोस ए का उच्चतम मान निकाल लिया, यहाँ पे पुट कर दिए तो फोर पे पावर फाइव ये डी हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहेंगे।